हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम अ फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ अ कैरिंग वुमेन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन है हाईलैंड एट फॉरेस्ट ट्रायल, अ टाउनशिप प्रोजेक्ट बाय परांजपे डेवलपर एट भुगाव पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, हाईलैंड ये एक क्लस्टर है फॉरेस्ट ट्रायल्स में। फॉरेस्ट ट्रायल टाउनशिप है, काफ़ी बड़ा टाउनशिप है, करीबन 178 एकर्स का ये टाउनशिप है। इसमें टोटल 11 बिल्डिंग है। तो राइट साइड में अभी जो डेवलपर सेल कर रहे हैं वो बिल्डिंग नंबर 9, 10 और 11 है, और उसके पहले जो बिल्डिंग जो लॉन्च किया था वो सारा सोल्ड आउट है और उसका पोजिशन भी दे दिया गया है। तो हाईलैंड दोस्तों, ये लोअर बेसमेंट है, ग्राउंड है और 17 हैबिटेबल फ्लोर्स है। इसमें सारे 2 BHK के फ्लैट हैं और हर एक बिल्डिंग में, हर एक फ्लोर के ऊपर किसी में 7 फ्लैट है, किसी में 11 फ्लैट है। तो ऐसे अलग अलग नंबर्स ऑफ फ्लैट्स दिए गए हर एक फ्लोर के ऊपर। तो दोस्तों, परांजपे इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर और फॉरेस्ट ट्रायल एक काफ़ी बड़ा टाउनशिप है एट भुगाव। तो अगर लोकेशन मैप में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन पोर्शन है ये करीबन 178 एकड़ का बड़ा टाउनशिप है। इसके सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे ये जो रोड है, दिस इज पौद रोड जो कि चांदनी चौक से अंदर की तरफ जाता है, और ये जो एरिया है दिस इज भुगाव, और इसके बाजू में मानस लेक है, उसके पहला फिर ग्लोरिया है, अथाश्री है और ये चांदनी चौक है, और ये जो बड़ा सा हाईवे आप देख रहे हैं दिस इज मुंबई बेंगलोर बाईपास रोड। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज बालेवाड़ी स्टेडियम और यहाँ पर हिंजेवाड़ी आईटी पार्क है, और ये बाईपास रोड के अदर साइड अगर आप देखेंगे तो एक रास्ता ये पाषाण के तरफ जाता है, और ये जो बड़ा सा रास्ता है ये पौध रोड है, और ये जो रास्ता आ रहा है ये माथरे ब्रिज से आ रहा है, एंड दिस रोड अगेन गोज टू लॉ कॉलेज रोड। तो चांदनी चौक से फॉरेस्ट ट्रायल जो है वो मैक्सिमम 7 मिनट्स का ड्राइव है। ये जो टाउनशिप आप देख रहे हैं ये फॉरेस्ट ट्रायल है और काफ़ी बड़ा टाउनशिप है, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये हाईलैंड बिल्डिंग है। वैसे तो पूरे टाउनशिप में आप देखेंगे इट्स अ मिक्स ऑफ रेसिडेंटल बंगलोस, रो हाउस, स्कूल्स, शॉपिंग प्लाजा, टेम्पल्स, हॉस्पिटल, सब कुछ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया गया है। तो इट्स अ प्रॉपर टाउनशिप। लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये क्लस्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम हाईलैंड है। तो हाईलैंड जो है ये सारे बिल्डिंग का पोजीशन दे दिया गया है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ये 9, 10 और 11 नंबर टावर की बात कर रहे हैं। तो पूरे टाउनशिप में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक टाउनशिप स्पोर्ट्स क्लब मिलता है, हर एक सोसाइटी में सेल्स ऑफिस रहेगा, टाउनशिप के अंदर ही शॉपिंग प्लाजा दिया गया है, बटरफ्लाई गार्डन होगा, फायर स्टेशन दिया गया है, पुलिस स्टेशन है, टेंपल है, हॉस्पिटल, सनसेट पॉइंट, हॉर्स राइडिंग ट्रैक, क्रिकेट ग्राउंड, बाइकिंग ट्रायल, क्लिफ स्पोर्ट्स क्लब जो कि काफ़ी बड़ा क्लब है, क्लिफ जो है काफ़ी बड़ा क्लब है, और ये बेसिकली पेड क्लब हाउस है जो कि पूरे टाउनशिप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेनिस कोर्ट है, और स्कूल्स में टाउनशिप के अंदर ही श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर स्कूल है, उसके बाद लिली पॉन्ड, मेडिटेशन प्लेस एंड मेनी मोर। तो आज हम लोग बात करेंगे हाईलैंड बिल्डिंग के बारे में जो कि बिल्डिंग नंबर 9, 10 और 11 है। तो हाईलैंड के लिए सेपरेट क्लब हाउस दिया गया है, सेपरेट स्विमिंग पूल दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे ग्राउंड प्लस 1 का क्लब हाउस दिया गया है। और ये भी इमेज दोस्तों आप देख रहे हैं ये हाईलैंड का क्लब हाउस और स्विमिंग पूल है, और काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है विद सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग एंड सन डेक एंड प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स, और क्लब हाउस भी जो है वो ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर का क्लब हाउस दिया गया है। सो वेरी एलिगेंट एंड रिच लुक ऑफ द एमिनिटीज एरिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये और एक लोकेशन मैप है जहाँ पर आप देखेंगे ये चांदनी चौक है, और आप पौध रोड से आप अंदर की तरफ आते हो तो दिस इज़ भुगाव एरिया, और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। जो आइकॉन आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, और इसके सामने ही लवाले है,
पीछे की तरफ पिरंगुट है, यहाँ पर पूना वेस्टर्न क्लब है, ये जो आप देख रहे हैं चांदनी चौक है, और ये मुंबई बेंगलोर हाईवे है, उसके पास का एरिया यहाँ पर कोतरूड है, पाषाण, सुस रोड, बारेर रोड, ऑक्सफोर्ड गोल्फ रिसोर्ट पार्क, रयान इंटरनेशनल स्कूल, सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड नांदे। तो ये सारा इकोसिस्टम है दोस्तों इस प्रोजेक्ट का। तो ये सारा एक्चुअल फोटोग्राफ है दोस्तों टाउनशिप का, जिसमें आपको 90% ओपन प्लेस मिलता है, जिसमें आपको सारा एम्यूनिटीज और ग्रीन स्पेस दिया गया है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर मोर देन 36,000 ट्री प्लांट किया गया है, और सामने जो आप देख रहे हैं डेट इज हाईलैंड टावर, जिसमें 3 टावर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये टाउनशिप का मेन गेट है, तो जैसे आप टाउनशिप के अंदर आते हो तो यहाँ पर कुछ बंगलोज और रो हाउस भी दिया गया है, और लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो ये जो पोर्शन है ये हाईलैंड है। वैसे काफ़ी बड़ा टाउनशिप है, 180 एकर्स के आसपास है, तो बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पर आने वाला है। और ये जितने भी इमेजेस दोस्तों आप देख रहे हैं ये सारे ओरिजिनल इमेजेस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि फंक्शनल है। कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेंटी ऑफ वाटर सप्लाई इज देयर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, उसके अलावा शटल सर्विसेज भी रखा गया है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स से कहीं पर डिस्टेंस पर जाना है तो शटल सर्विसेज भी रखा गया अंदर। वन ऑफ द फीचर्स में फायर स्टेशन रखा गया है। हाईलैंड टावर्स में ऑलरेडी 500 फैमिलीज को पोजीशन दे दिया गया है, और दिस इज द इमेज ऑफ द हाईलैंड टावर जिसका पोजीशन दे दिया गया है। सो दिस इज हाउ द हाईलैंड टावर लुक्स। तो आज हम लोग दोस्तों हाईलैंड टावर के बारे में बात करेंगे, बंगलोज और रो हाउस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये बड़ा सा क्लब हाउस दिया गया है जिसका नाम द क्लिफ रखा है, और ये काफ़ी बड़ा क्लब हाउस है, पर इस क्लब हाउस का पेड मेंबरशिप होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे ये द क्लिफ का इमेज है, और दिस क्लब इज फंक्शनल। और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज द लॉबी एंट्रेंस ऑफ द क्लब क्लिफ। तो यहाँ पर आपको क्लिफ में स्पोर्ट्स जोन मिलता है, काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है, एमपी थिएटर है, मल्टी क्विजन रेस्टोरेंट एंड बार है, अगेन दिस इज मल्टी क्विजन रेस्टोरेंट एंड बार। उसके अलावा दोस्तों आपको स्पोर्ट्स क्लब मिलता है, जहाँ पर आप देखेंगे आपको बैडमिंटन कोर्ट प्लस आपको वॉलीबॉल कोर्ट भी मिलता है। सो दिस इज लॉन्ग टेनिस कोर्ट, और जितने भी एम्यूनिटीज दिए गए हैं सारे प्रोफेशनल साइज एम्यूनिटीज इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे दिस इज लॉन्ग टेनिस कोर्ट, एंड दीज आर ऑल एक्चुअल इमेजेस ऑफ लॉन्ग टेनिस कोर्ट। और कॉम्प्लेक्स के अंदर ही स्कूल दिया गया है जो कि फंक्शनल स्कूल है, और स्कूल का नाम है श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर स्कूल, और उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल भी होगा। और दिस इज़ द इमेज ऑफ श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर स्कूल विच इज़ फंक्शनल। और इक्वेस्ट्रियन क्लब भी दिया गया है, इक्वेस्ट्रियन क्लब में यहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों हाईलैंड के अलावा बहुत सारे बंगलोज और रो हाउसेज भी है, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके फ्लोर प्लान के ऊपर। आप यहाँ पर आप देखेंगे ये 9 नंबर बिल्डिंग का फ्लोर प्लान है, जिसमें हर एक फ्लोर पर 6 फ्लैट दिया गया है, और सारे 2 BHK के फ्लैट्स हैं। उसी तरह ये 10 नंबर का फ्लोर प्लान है, जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 10 फ्लैट दिया गया है और सारे 2 BHK के फ्लैट्स हैं। और 11 नंबर में आप देखेंगे हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट दिया गया है और सभी 2 BHK के फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 BHK का कारपेट एरिया 670 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 65 लाख से इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और फाइनली ये तीनों बिल्डिंग का जो पोजीशन होगा आज से मैक्सिमम 2 से 2.5 साल में। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।